सो भाई वीडियोस को कैसे आप एडिट करते हो, कैसे बनाते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो एडिटिंग के ऊपर सीरीज चलाई जाए और आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे, सबसे पहले कि सिनेमैटिक फ्रेमिंग कैसे करनी है काइन मास्टर के अंदर, क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है। उसके बाद हम कवर करेंगे कि सिनेमैटिक ओपनिंग कैसे करनी है, जैसे कि सॉन्ग्स वगैरह में या कोई आप मूवी देखते हो तो उसमें सिनेमैटिक ओपनिंग होती है जो बहुत ही प्रोफेशनल फील देती है वीडियो के अंदर। म्यूजिक डालेंगे, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखा के भेजूँगा और जो भी नए बंदे आए हैं उन सभी को मैं प्रॉपरली पूरा प्रोफेशनल बना के भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। सो आज का हमारा पहला एपिसोड है, सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला एपिसोड काइन मास्टर का सिनेमैटिक एडिटिंग सीरीज का। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट न्यू के अंदर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एक्सपेक्ट रेशियो को। जब भी आपने YouTube के लिए कोई वीडियो बनानी है तो आपने चूज़ करना है यहाँ से 16.9 का एक्सपेक्ट रेशियो, ठीक है जी। और यहाँ से मैं करता हूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स को मैं शूट करके ले आया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने सोचा क्यों ना कुछ एडिटिंग के ऊपर आपको बताया जाए। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आपने वीडियो को स्टार्ट करना है ना, तो आपका कोई मूविंग शॉट होना चाहिए और वाइड शॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने थर्ड करके अपने फेस, अपने मॉडल के फेस के ऊपर कैमरा डाल दिया और आपने एक्सपोज कर दिया सब कुछ, ऐसा नहीं आपने करना। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना है वीडियो के अंदर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सस्पेंस रखो वीडियो के अंदर, कि वो ड्रामेटिक लगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये वाला क्लिप लेंगे, क्योंकि ये वाला क्लिप मैंने लिया था, ये ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो ये मैंने फिर से मोबाइल गिम्बल से लिया था। तो यहाँ से मैं ये वाला क्लिप करूँगा सेलेक्ट, ठीक है जी। और ये मेरा क्लिप आ चुका है काइन मास्टर की टाइमलाइन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने क्लिप की ऑडियो को बंद करना है यहाँ से, और क्लिप के ऊपर आपने जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा राइट साइड पे ऑडियो वाला सेक्शन, और यहाँ से सिंपली आपने इसको करना है ज़ीरो पे। नहीं तो आपका ओरिजिनल ऑडियो और जो आपका सिनेमैटिक ऑडियो क्लिप होगा, जो आपने ऑडियो यूज़ करना है, वो साथ में मर्ज हो जाएगा और बहुत ही गंदा ऑडियो इफेक्ट आएगा। अब मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ और देखते हैं कि कहाँ से हमने सीन को मतलब कि लगाना है। तो जैसा कि ये मॉडल है जिनका नाम सिमरन है, जो पहले भी वीडियोस में आ चुकी हैं, तो ये वहाँ से मतलब कि स्टेयर से नीचे उतर रही हैं, ओके। और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा पहला टिप आता है कि हमने जब भी वीडियो को स्टार्ट करना है तो वाइड एंगल शॉट से करना है, कि हमारी लोकेशन रिवील हो और हमारा वीडियो अच्छा दिखे। डायरेक्टली मुंह पे किसी के कैमरा नहीं मार देना, नहीं तो अच्छा नहीं फील नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ ट्रिम। तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले आपने क्लिप के ऊपर सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे सीजर वाला सेक्शन दिख जाएगा राइट साइड पे, जो आपको दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं हमारी कैंची, ठीक है, पॉपुलर कैंची। और यहाँ पे इसको करते हैं क्लिक, और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, जिसकी वजह से मेरा जो ख़राब वाला एरिया होगा वीडियो का वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छा वाला रह जाएगा। सो यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो है मूविंग शॉट लिया हुआ है, मतलब कि एक अच्छा सा व्यू एंगल आए, मतलब कि ऐसा कहते हैं मसालेदार सा कुछ स्टार्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब कि देखने वाले को इंटरेस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नींद आने लगी उसको, ऐसा नहीं करना। आपने वीडियो एडिटिंग में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो में क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा कैमरा, फ़ोन, इक्विपमेंट लेके वीडियो को शूट कराओ, पर सारा का सारा आपको जो मटेरियल है ना वो बनाना पड़ता है एडिटिंग के टाइम भी। तो एडिटिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको ये क्लिप दिख रहा है, तो इस क्लिप को मैं रखना चाहूँगा जहाँ पे हमारी मॉडल क्रॉस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मैं ये वाला पार्ट क्रॉप कर दूँगा, मतलब कि ट्रिम कर दूँगा, ठीक है। बहुत सारे बंदों को होता है कि यार क्रॉप क्यों बोल दिया, तो भाई मेरी लैंग्वेज में क्रॉप बोलता हूँ और ट्रिम भी बोल सकते हो। मेन हमारा है कि हमारा वीडियो ट्रिम हो रहा है ना, तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वीडियो के ऊपर, और राइट साइड पे जाएंगे हम सीजर वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे जाके हम सेलेक्ट करेंगे ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, और यहाँ पे हमारा जो है क्लिप पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। सो मैं वीडियो को प्ले करता हूँ यहाँ से, और ये कुछ इस तरीके से मैंने सीन को लिया हुआ है, मतलब कि ये मूविंग शॉट है, लो टू हाई करके थोड़ा सा आ रहा है, और यहाँ पे हमारा मॉडल हो जाएगा क्रॉस। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्टार्टिंग में आपने वाइड एंगल सीन का मूविंग सीन आप ले सकते हो। अगर आप कोई मूविंग सीन नहीं मतलब कि ले पा रहे हो, आपके पास गिम्बल नहीं है, तो आप सिंपली पैन कर दो, कुछ भी कर दो, पर डायरेक्टली किसी के मुंह पे कैमरा मत मारो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे जो आपको लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है,
और लेयर वाले ऑप्शन के अंदर जाके हमें यहाँ पे मिल जाएगा स्टिकर वाला ऑप्शन, और स्टिकर वाले ऑप्शन के अंदर जाके आपको यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो मैंने इफेक्ट्स को पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, और डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है जो काइन मास्टर की जो होती है लाइब्रेरी। तो सबसे पहले आपने काइन मास्टर के एसएस स्टोर के अंदर आके नीचे आना है, जहाँ पे आपको दिख रहा हर्ट सा बना हुआ है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है सिनेमैटिक, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा चैनल ही सिनेमैटिक है, तो हम यहाँ पे सिनेमैटिक इफेक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम सिनेमैटिक लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो जाएंगी। सबसे पहले सिनेमैटिक टेक्स्ट, सिनेमैटिक ओपनिंग और सिनेमैटिक फ्रेम्स। तो फ्रेमिंग करने के लिए आपने यहाँ से चूज़ करना है सिनेमैटिक फ्रेम्स, और ओपनिंग करने के लिए आपने यहाँ से चूज़ करना है सिनेमैटिक ओपनिंग वाला सेक्शन, ठीक है। और इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है काइन मास्टर के अंदर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ से हम बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेमिंग करेंगे। तो फ्रेमिंग करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा सिनेमैटिक फ्रेम्स के अंदर यहाँ से। तो फ्रेमिंग को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ 2391 वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसको आपने सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है डन, और इसको हम प्ले करके देखते हैं वीडियो को। तो अब आप देख सकते हो कि वीडियो हमारी बहुत ही बेटर लग रही है पहले से, क्योंकि इसमें फ्रेमिंग अच्छी हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं म्यूज़िक की, और म्यूज़िक में हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली यार म्यूज़िक को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा ऑडियो में, और ऑडियो में जाके यहाँ पे मैं सबसे पहले फोल्डर्स के अंदर जाता हूँ और फटाफट म्यूज़िक सेक्शन के अंदर जाता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप कोई मूवी देखते हो तो उसका म्यूज़िक कितना सुपरहिट होता है। अब जैसे कि इमरान हाशमी की जो फिल्म्स होती हैं उनका म्यूज़िक कितना धमाकेदार होता है, गाने एक से एक बढ़ के होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि हमारा म्यूज़िक बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका म्यूज़िक है उसी अकॉर्डिंग ही आपकी वीडियो चलनी चाहिए। ये हमारा मतलब कि सारा का सारा जो पार्ट होता है ना वीडियो का, वो म्यूज़िक के ऊपर ही मतलब कि टिका होता है। तो यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ हेयर विद मी वाला म्यूज़िक, ठीक है। तो यहाँ से इसको करते हैं हम इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपने प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करना है, और आपका जो ऑडियो होगा वो काइन मास्टर की टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे मैंने म्यूज़िक को इंपोर्ट कर दिया है, और म्यूज़िक हमारा काफ़ी ज़्यादा स्लो है। मैं आपको सुनाता हूँ एक बार थोड़ा सा इसकी ट्यून, और यहाँ से मैं करता हूँ ऑडियो को प्ले। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हेडफोन्स यूज़ करने पड़ेंगे अगर आप म्यूज़िक को प्रॉपरली इंजॉय करना चाहते हो। मुझे म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और म्यूज़िक को सुनने के लिए प्रॉपरली आपको हेडफोन्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग के वक्त आपको हेडफोन्स यूज़ करने चाहिए कि आपको प्रॉपरली बीट्स पता लगें कि कौन सी बीट कहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारी फ्रेमिंग हो चुकी है, सीन हमारा पहला लग चुका है कि हमने स्टार्टिंग कौन सा वाला सीन डालना है, वो भी आपको बता चुका हूँ। म्यूज़िक हमारा लग चुका है, अब हम क्या करेंगे कि सिनेमैटिक ओपनिंग करेंगे। तो सिनेमैटिक ओपनिंग करने के लिए आपने क्या करना है, फिर से आपने जाना है लेयर वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है स्टिकर वाला सेक्शन। और स्टिकर वाला सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने अंदर जाना है यहाँ पे, और अंदर जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिनेमैटिक ओपनिंग। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट काइन मास्टर के अंदर नहीं मिलेगा, आपको इसकी लाइब्रेरी के अंदर जाके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, सिनेमैटिक ओपनिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इसके फॉर्मेट्स मिल जाएंगे कि आपने कैसे अपनी वीडियो को खोलना है, बंद करना है, कैसे दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि इसको जैसे करते हैं कि मतलब कि एक सॉन्ग हमारा रिवील होता है, तो सॉन्ग में कैसे सिनेमैटिक बार्स ओपन होते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा ये वाला सेकेंड वाला। तो जैसे ही मैं सेकेंड वाला सेलेक्ट करूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सिनेमैटिक बार्स लग जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ डन, राइट साइड पर जो आपको दिख रहा है हमारा जो राइट साइड पर बटन है। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं वीडियो को प्ले। सो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि कितना अच्छा इम्पैक्ट आने लग गया, थोड़ी सी चीज़ें ऐड करी हैं और वीडियो हमारी स्टार्टिंग में अच्छी लग रही है। अभी यहाँ पे स्लो मोशन ऐड नहीं है, स्लो मोशन करने का, फास्ट मोशन करने का जो भी मैं अपने वीडियो के अंदर करता हूँ वो कैसे करता हूँ, बहुत ही कमाल की आगे मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी या कोई भी एपिसोड स्किप कर दिया, तो आपको बहुत सारे डाउट्स आपके मन में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कमाल का एपिसोड ख़त्म होता है कि हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है, सिनेमैटिक बार्स कैसे लगाने हैं, और सिनेमैटिक ओपनिंग कैसे करनी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे कि हमने सबटाइटल कैसे डालना है नीचे, और नेक्स्ट सीन को कैसे हमने लगाना है, और स्लो मोशन कैसे करना है,
बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो दोस्तों, ये था हमारा सिनेमैटिक वीडियो एडिटिंग का काइन मास्टर का हमारा पहला एपिसोड, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपने सिनेमैटिक फ्रेमिंग करनी है, सिनेमैटिक ओपनिंग कैसे करनी है, और म्यूजिक कैसे लगाना है, और पहला सीन आपने कौन सा डालना है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हो। और आने वाले जो नेक्स्ट एपिसोड्स आने वाले हैं, पूरा का पूरा बराबर देख लेना, क्योंकि मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। और ऐसी वीडियो शायद ही किसी ने बनाई होगी, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ की डेप्थ में जाके समझाऊंगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसका क्या मतलब है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारा पहला एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।